स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस करियर ऑप्शंस कोर्सेज एंड मेनी मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो एक नया टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है BBA यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन। यानी कि हम एविएशन फील्ड के बारे में आज जानने वाले हैं। अगर आपको BBA करना है जो लोग बिजनेस से रिलेटेड कोर्स ही करते हैं लेकिन इसमें एविएशन एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है जो आप कर सकते हैं। सो अगर हम एविएशन की बात करें तो एविएशन के बारे में जब भी हम सोचते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं तो स्टूडेंट्स सोचते हैं या लोग जनरली सोचते हैं कि या तो हम बनेंगे पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट। बट यार ये इतना ही लिमिटेड नहीं होता है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद सिर्फ आप इतनी चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री या फिर हम एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ब्रॉड है, स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक स्पेशलाइज कोर्स कर लेते हैं जैसे कि BBA इन एविएशन करते हैं तो आपकी एक स्पेशलाइज फील्ड होती है जिसमें आप जाते हैं, जिसके बारे में आप सीखते हैं। अगर मैं बात करूं इस फील्ड की तो इसमें आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द मैनेजिंग स्किल, यानी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने एयरलाइंस को। देन आप सीखते हैं अबाउट द डिफरेंट थिंग्स लाइक क्या बेसिकली कैसे एविएशन की इंडस्ट्री जो है वर्क करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो उसके ग्राउंड स्टाफ का वर्क होता है बेसिकली एंड देन एयरलाइंस का जो वर्क होता है, क्या लैंडिंग रहती है, कब आता है कब जाता है, ये पूरा जो टेक्निकल वर्क होता है जिसको लोग देखते हैं एंड जिस जो बेसिकली जो कम्युनिकेट करते हैं पैसेंजर से रिलेटेड, आपको इस फील्ड से रिलेटेड इसमें जॉब मिलती है। हम उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आपको मिलती है, क्या एवरेज एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर इन केस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज इस चैनल में आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली है। नाउ अगर हम बेसिकली स्टार्ट करें इस इंडस्ट्री के बारे में जानना एंड इस कोर्स के बारे में जानना, तो आपको इनिशियली तो मैंने बता दिया BBA से आप समझ गए होंगे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है अलग अलग प्रोफाइल पे। बट अगर इस कोर्स की बात करें तो कोर्स के लेवल है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी आपको आप इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मिलती है ग्रेजुएशन की डिग्री, एक बैचलर्स की डिग्री। अगर हम BBA का फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पेशलाइजेशन एविएशन आप करते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का ये कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न होता है, यानी सेमेस्टर वाइज आपको एग्जामिनेशन देना रहता है। 3 साल यानी आपको 6 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी काफ़ी सिंपल है, 10+2 जब आप कंप्लीट कर लेते हैं विद अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% तो आप एलिजिबल होते हैं इस फील्ड में आने के लिए, इस फील्ड की पढ़ाई करने के लिए। बट अगर आप यू नो दिस इज फॉर अ जनरल कैटेगरी, अगर आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, 40-45% में भी आप किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन कौन से हम लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, आप बोलते रहे हो, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पर मिलती है। यार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीच आउट करिए, वहाँ पर हम लिंक्स डालते रहते हैं अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, फिर हम यूनिवर्सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलें क्योंकि एज आई टोल्ड यू आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस हो जाएगी रिलेटेड टू एविएशन और दूसरी फील्ड तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। बेसिकली इसका जो एडमिशन प्रोसेस है जो भी आप BBA के लिए होता है BBA इन एविएशन के लिए, तो मेरिट बेस है, यानी आपके 12th में कितने आपके मार्क्स आए उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इन एडिशन टू दिस बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी होते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इसके लिए। सम ऑफ द फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने निकाली थी। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार कौन कौन से मेन एग्जाम है, अगर आपको सिर्फ उसी की बात करनी है तो सम ऑफ द मेन एग्जामिनेशन लाइक LPU NEST यानी LPU NEST, JEE जैसे कुछ एग्जामिनेशन है जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसके बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। जब आप इसको अच्छे से यू नो आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स परस्यू करने के लिए। बात कर ली, अब हम बात करते हैं कोर्स फीस की कि कितनी आपकी कोर्स फीस रहती है अगर आप BBA इन एविएशन करते हैं। तो अगेन आप BSc इन एविएशन भी कर सकते हैं एंड एविएशन में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हुए। ये होता है BBA इन एविएशन, इसकी कोर्स फीस डिफर करती है 70,000 से लेके 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक आपकी जा सकती है एनुअली। यानी ये कोर्स आपको कवर करवाता है 70,000 से लेके 4 लाख तक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट लेता है और फिर ये पूरा 3 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, कोई सा भी इंस्टीट्यूशन जो आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है हमें पता चल गया कि क्या हमें सीखने को मिलेगा, बट जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं एंड सैलरी की बात करते हैं कि हम इनिशियली सैलरी कितना अर्न कर सकते हैं।
तो जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी वो डिफर करेगी, यू नो कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, प्लस आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका टैलेंट कितना है, तो उसमें थोड़ा सा जो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी वो फ्लक्चुएट हो सकती है, बट मिनिमम की बात करें तो 4 से 8 लाख तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं इस इंडस्ट्री से कमाना। अगर हम बात करें जॉब पोजीशन की, तो हर जैसे कि आप क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर बन सकते हैं, आप बन सकते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने अभी ये सारी प्रोफाइल बताई है, तो आपने एस्टिमेशन तो लगा ही लिया होगा कि आपको मैनेजिंग स्किल सीखनी है, और मैनेजर रिलेटेड आपको बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स इसमें मिलती है। नाउ अगर हम बात करें एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी होती हैं, फेमस कंपनी होती है, जो रिक्रूटमेंट के लिए जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन। सम ऑफ द रिक्रूटिंग एरियाज लाइक, जैसे कि मैंने एयरलाइंस की बात करी, अलग अलग एयरलाइंस देती हैं, देन अलग अलग सिटी या फिर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको हायर करता है, फ्लाइट स्कूल्स आपको हायर करते हैं, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज में भी आप जा सकते हैं, एयरलाइन इंश्योरेंस कंपनीज में जा सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आप जाके इस डिग्री को यू नो वर्क कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फाइनली अगर हम बात करें कंपनीज के नाम की, क्योंकि नाम से ही हमें यू नो एक वो हो जाता है, हमारा जो लगाव होता है वो झुक जाता है, हमें पता चल जाता है कि यार ये कंपनी है तो हमें जाना है, तो मैं उन कंपनीज का नाम भी ले लेती हूँ कि कौन कौन सी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है जहाँ जाकर आपको वर्क करने के लिए मिल जाता है, आपका बीबीए जैसी डिग्री वर्क करने के लिए मिल जाती है। सो सम ऑफ द कंपनीज लाइक इंडिया जेट एयरवेज, एयरलाइंस, या फिर अगर हम बात करें अलायंस एयर, एयर कोस्टा, एयर हेरिटेज, एयर डेकन, देन एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी कुछ फेमस एयरलाइंस होती हैं जो आपको हायर करती है फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है, तो सिलेबस की भी हम बात कर लेते हैं। सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, तो हर सेमेस्टर में आपका जो कोर्स होता है वो कवर होता है, थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस आता है। अगर पर्टिकुलरली हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलता है कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, ये सब बिजनेस से रिलेटेड रहता है। इंट्रोडक्शन देते हैं एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, या फिर मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पढ़ाते हैं, लीडरशिप एविएशन की जो होती है, आप कैसे अपनी लीडरशिप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब आपको फर्स्ट आपके सेमेस्टर में मिलता है। कमिंग अपॉन द सेकेंड सेमेस्टर, आपको कम्युनिटी सर्विसेज, एनरिचमेंट कोर्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, IAT, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एनरिचमेंट कोर्स जैसे कोर्सेज मिलते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलता है ओपन इलेक्टिव होते हैं, अलग अलग इलेक्टिव के बारे में भी हम जानेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिपोर्ट राइटिंग, एयरपोर्ट फंक्शन, एयरलाइंस, आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। सो फोर्थ सेमेस्टर कंक्लूड्स विद ओपन इलेक्टिव, जो आपके अलग अलग इलेक्टिव आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन लेवल 1, लेवल 2, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट रिसर्च, प्रोग्राम इलेक्टिव लेवल 1, मार्केट रिसर्च, कार्गो हैंडलिंग जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हो जाती है पढ़ाई एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फिफ्थ की बात करें तो प्रोग्राम इलेक्टिव होता है, डिजर्टेशन, समर इंटर्नशिप्स भी आपको करनी रहती है, इंडस्ट्रियल टूर रिपोर्ट होता है, इंटरनेशनल बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग एविएशन बिजनेस, एसेंशियल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं अपने फिफ्थ सेमेस्टर में। कमिंग टू द सिक्स्थ सेमेस्टर, आप पढ़ते हैं प्रोग्राम इलेक्टिव इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। एयरपोर्ट कस्टमर सर्विसेज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एविएशन मार्केटिंग, डिजर्टेशन आपको बनाना पड़ता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपके लास्टली सिक्स्थ ईयर में कवर होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओपन इलेक्टिव एग्जामिनेशन, ओपन इलेक्टिव्स भी रहते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5 सब्जेक्ट लिए हैं, छठा सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। तो ओपन इलेक्टिव्स कुछ सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हैं कि सर्विसेज मार्केटिंग, बेसिक रैम सेफ्टी, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एयर टिकटिंग एंड फेस कंस्ट्रक्शन, एयरलाइन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर आपकी कोई प्रेफरेंस होती है या इनमें से किसी आप जानना चाहते हैं कि इसकी नॉलेज मुझे सबसे ज़्यादा है तो मैं यही सेलेक्ट करता हूँ, या इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है ओपन इलेक्टिव अगर आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो थी सिलेबस की बात। अब अगर हम बात करें प्रोफाइल्स के हिसाब से आपको क्या क्या आपकी अर्निंग हो सकती है, तो एयरलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 to 10 lakh आपकी इनिशियल सैलरी। क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर बन सकते हैं 5 to 6 lakh आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कर सकते हैं आपकी इनिशियल सैलरी। असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर में आप 7 से 8 lakh की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर भी बन सकते हैं आप, 4 से 7 lakh की सैलरी आप इनिशियली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर आप बनने का सोच ही रहे हैं फाइनली, तो 6 से 7 lakh आप इसमें अर्न कर सकते हैं। सो या आई थिंक मैंने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है अबाउट द टॉपिक बीबीए इन एविएशन, यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन। बट इन केस अगर मुझसे अभी भी
कोई भी टॉपिक रह गया है यार, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें कवर होती है, शायद कोई चीज तो मुझसे रही गई होगी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है अबाउट दिस टॉपिक इजिली, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द वहां पे रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो आई मैं उम्मीद ही कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जचाने साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज एपिसोड।